हेलो डियर स्टूडेंट्स. डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने शुरू किया था साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेक्राइड्स. डियर स्टूडेंट्स, होप आप लोग को याद होगा, मैंने लास्ट क्लास में आपसे कहा था कि जो मोनोसेक्राइड्स को अगर हम देखेंगे तो उनमें एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप होगा और उसके अलावा बहुत सारे OH ग्रुप्स होंगे. तो हमने ये कहा था कि विद इन द मालिक्यूल OH ग्रुप और जो एल्डिहाइड या कीटोनिक, यानी जिसको हम जनरली कंबाइनली कार्बोनाइल ग्रुप्स कहते हैं, वो आपस में रिएक्ट कर सकते हैं. यानी OH ग्रुप और कार्बोनाइल ग्रुप रिएक्ट कर सकता है, उसकी वजह से हिमी एसिटल बन सकता है. तो इस वजह से हमने देखा था कि विद इन द मॉलिक्यूल एक OH कार्बोनाइल कार्बन के साथ पे अटैक कर लेगा, तो उसकी वजह से मोनोसेक्राइड्स का साइक्लिक स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है. और उसके इवरेंसेस भी हमने कुछ डिस्कस लास्ट क्लास में किए थे. तो डियर स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हमने ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर डिस्कस किया था. उसका अल्फा डी ग्लूकोज कैसे बनता है, बीटा डी ग्लूकोज कैसे बनता है, वो हमने डिस्कस किया था. और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रैक्टोज. फ्रैक्टोज के बारे में मैं आपको बताता हूँ. फ्रैक्टोज को हम फ्रूट शुगर कहते हैं क्योंकि इसमें ये फ्रूट्स में काफी तादाद में पाया जाता है. फ्रेक्टोस को अगर आप एनालिसिस कर लें तो फ्रेक्टोस का भी जो फॉर्मूला है वो वही है जो ग्लूकोज का है, दैट C6H12O6. और वेरियस केमिकल रिएक्शंस के बेस पे ये पता चला है कि फ्रेक्टोस में एल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं होता है बल्कि कीटोनिक ग्रुप होता है. कौन सा ग्रुप होता है? कीटोनिक ग्रुप. और उसके अलावा 5 OH ग्रुप्स होते हैं. 5 क्या होते हैं? OH ग्रुप्स. और 5 OH ग्रुप्स में से 3 OH जो ग्रुप्स होते हैं, यानी 3 अल्कोहलिक जो ग्रुप्स हैं, ये सेकेंडरी टाइप के होते हैं. और 2 जो OH ग्रुप्स हैं वो प्राइमरी टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी टाइप. तो इसी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे फिशर ने जो ओपन चेन स्ट्रक्चर प्रपोज किया है फ्रैक्टोज के लिए वो ये है. मैं यहां पे ड्रा कर रहा हूं. ये कार्बन नंबर 1 है, वहां पे है CH2OH. ये कार्बन नंबर 2 है और कार्बन नंबर 2 पे क्या है? डबल बोन ओ है, यानी कीटोनिक ग्रुप कार्बन नंबर 2 पे है. और उसके बाद ये कार्बन नंबर 3, यहां पे H और यहां पे OH. और ये कार्बन नंबर 1 यहां पे मैं मेंशन कर लेता हूं डिफरेंट कलर से. ये C1, ये C2 है, ये C3 है, ये इसके बाद C4 और ये C5 और ये C6 CH2OH. हाँ, ये C4, ये C5. हाँ, तो C4 पे यहां पे OH, यहां पे H, और C5 पे भी यहां पे OH और यहां पे H. दिस इज ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रैक्टोस. हमें आज डिस्कस करना है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रैक्टोस. तो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रैक्टोस कैसे पॉसिबल होगा, कैसे बनेगा? जनरली ये देखा गया है कि जो फ्रैक्टोस है जब वो फ्री फॉर्म में होता है तो उसका एक सिक्स मेंबर रिंग के फॉर्म में होता है. उस सिक्स मेंबर में से 5 मेंबर्स कार्बन होते हैं और एक ऑक्सीजन होगा. यानी उसका मतलब ये हुआ कि एक तो उसका पायरोनोस स्ट्रक्चर पॉसिबल है. और उसके अलावा जब ये जो फ्रैक्टोस है ये कंबाइन फॉर्म में होगा, जब ये एज ए कंपोनेंट ऑफ ए डाइसेक्राइड होगा या एज ए कंपोनेंट ऑफ ए पॉलीसेक्राइड होगा, तो ये देखा गया कि वहां पे वो एग्जिस्ट करता है इन द 5 मेंबर रिंग के फॉर्म में, यानी फ्यूरोनोस स्ट्रक्चर के फॉर्म में, है ना. तो वो दोनों स्ट्रक्चर्स आज हमें डिस्कस करना है. तो पहले हम पायरोनोस स्ट्रक्चर पहले डिस्कस कर लेंगे. तो पायरोनोस स्ट्रक्चर कैसे बनता है आप याद रख लेना. अगर क्या हो जाए, ये जो C6 है, C6 में प्रेजेंट जो OH है, OH मैं खोल के लगा वाला कर रहे हैं, है ना. ये OH में जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इनका इस्तेमाल करके अगर ये ऑक्सीजन अटैक कर ले इस कार्बोनाइल कार्बन पे, कीटोनिक यानी कार्बन नंबर 2 पे, तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पे शिफ्ट हो जाएंगे. क्लियर है? ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पे शिफ्ट हो जाएंगे. तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहां पे शिफ्ट हो जाएंगे तो नेचुरल बात है क्या था, देखो पहले
ये कार्बन कायरल था, ये कार्बन कायरल था, ये कार्बन कायरल था, यानी तीन कायरल कार्बन थे। ये कार्बन और ये कार्बन तो कायरल नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे दो सेम एटम्स यानी दो दो हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो इसलिए कार्बन जो है कायरल नहीं थे। और ये कार्बन भी कायरल नहीं था क्योंकि इसके साथ तीन ही ग्रुप जुड़े थे, तो इसलिए ये ग्रुप भी कायरल, ये कार्बन भी कायरल नहीं होगा। अब क्या होने वाला है, जब ये यहाँ पे अटैक कर लेगा, ये यहाँ पे जाएगा, तो ये कार्बन यानी कार्बन नंबर टू भी कायरल बनने वाला है। अब इस कार्बन नंबर टू पे OH या तो राइट साइड पे होगा या तो लेफ्ट साइड में होगा, या तो लेफ्ट साइड में या तो राइट साइड में। तो यहां पे भी क्या बन सकता है, दो अलग अलग एनोमर्स बन सकते हैं, जिस तरह ग्लूकोज में बनते थे, है ना। तो इसलिए हम कैसे बनाएंगे, देखो अगर फर्स्ट करो ये यहां पे शिफ्ट हो जाए, है ना, तो क्योंकि ये जो मॉलिक्यूलर प्लेनर है, तो ये जो ऑक्सीजन अटैक कर रहा है इस कार्बन पे, तो इसके फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है, एज वेल एज रियर साइड से भी अटैक कर सकता है। तो फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो और एक आइसोमर बन जाएगा, और रियर साइड से अटैक होगा तो दूसरा आइसोमर बन जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि ग्लूकोज की तरह यहां पे भी फ्रक्टोज के दो डिफरेंट आइसोमर्स बनने वाले हैं, जिनको हम इस तरह रिप्रेजेंट कर लेंगे। अगर फर्स्ट कर लो, मैं इस तरह बता दूं, ये कार्बन नंबर कौन सा हो गया, टू, है ना, जो नया कायरल बन गया है, कार्बन नंबर टू। ये कार्बन नंबर कौन सा है, टू है, ठीक है ना। तो कार्बन नंबर टू पे अगर ये जो ग्रुप है CH2OH और नया क्या बन गया, OH, अगर OH इस साइड में होगा, यानी किस साइड में, लेफ्ट साइड में, और CH2OH एक इस साइड में होगा, तो एक आइसोमर बन जाएगा, है ना। तो ये कार्बन नंबर थ्री है, ये कार्बन नंबर फोर, ये कार्बन नंबर फाइव, और ये कार्बन नंबर सिक्स पे क्या है, देखो कार्बन नंबर सिक्स पे दो हाइड्रोजन जुड़े हैं, है ना, दो हाइड्रोजन, और इस कार्बन और कार्बन नंबर किसके बीच में, सिक्स के बीच में बॉन्ड बन गया थ्रू ऑक्सीजन, इस तरह दिखा सकते हैं। और बाकी क्या होगा, कार्बन नंबर फाइव पे यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H4 पे, ठीक ना, यहाँ पे H है और यहाँ पे क्या है, OH है, ठीक है। तो इसको हम जनरली कहते हैं अल्फा डी गुल सॉरी बीटा डी ग्लूकोस। OH जब लेफ्ट साइड में होगा तो उसको बीटा कहते हैं, यानी ये क्या है, बीटा डी फ्रक्टोस, बीटा डी फ्रक्टोस, है ना, एक आइसोमर बन गया। अब दूसरा आइसोमर क्या बन सकता है, मैं यहां से आपको बता दूं, अगर ये CH2OH इस साइड नहीं जुड़ा होगा बल्कि इस साइड होगा, और ये OH उस साइड में होगा, तो ये दूसरा आइसोमर बन जाएगा, यानी C1 सॉरी C2, ये C3 है, ये C4 है, ये C5 है, ये C6 है, C6 पे यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, और इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया थ्रू ऑक्सीजन, है ना। और यहां पे क्या, इस बार OH इस साइड में, और यहां पे अगर क्या होगा, CH2OH अगर होगा, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन नंबर ये कौन सा है, कार्बन नंबर थ्री ना, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, कार्बन नंबर फोर पे यहाँ पे OH, यहाँ पे H, कार्बन नंबर सिक्स पे यहाँ पे OH, और यहाँ पे क्या है, H। तो यहाँ पे क्योंकि कार्बन नंबर टू पे OH राइट साइड में है, तो उसको हम क्या कहेंगे, अल्फा डी ग्लूकोस कहेंगे, सॉरी अल्फा डी फ्रैक्टोस, फ्रैक्टोस। तो ये हो गए, इनको हम कहेंगे, क्योंकि इनको फिशर ने प्रपोज किया है, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूलास कहेंगे, फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूलास कहेंगे। तो ये हो गया, फिशर्स प्रोजेक्शन के बेसिस पे इन स्ट्रक्चर्स को आप यानी अल्फा डी ग्लूकोस और बीटा डी ग्लूकोस को कैसे ड्रा कर लोगे। अब इनका हम साइक्लिक स्ट्रक्चर जो हॉवर्ड ने प्रपोज किया है वो भी साथ में डिस्कस कर लेंगे। तो हॉवर्ड स्ट्रक्चर बनाने के लिए डियर स्टूडेंट याद रख लेना, क्या करते हैं हम इसको सिक्स मेंबर्स एक रिंग से यानी हेक्सागोनल रिंग से रिप्रेजेंट कर लेंगे। हेक्सागोनल रिंग था, इस तरह हेक्सागोन जिसको हम पायरोन कहते हैं। इसमें क्या करना है, इस रिंग में क्या है, देखो चार पांच कार्बन है और एक क्या है, ऑक्सीजन। यहां पे भी अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 क्या है, कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। तो इसका जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा
वो इस स्ट्रक्चर जैसा ही होगा, तो इसलिए इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, पायरोनोस स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पायरोनोस स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। तो पायरोनोस स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रा कर लोगे, याद रखना जो स्टूडेंट्स। देखो अब पायरोनोस स्ट्रक्चर्स यानी हॉवर्ड्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला रिप्रेजेंट करना है। तो हॉवर्ड्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला में मैंने कहा कि आपको क्या करना है, एज ए हेक्सागोनल रिंग दिखाना है इस तरह। ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4, ये कार्बन नंबर 5, और कार्बन नंबर 5 पे यहाँ पे है C, सॉरी नंबरिंग ये नहीं है, ये 1 है ना, ये सॉरी 2 है, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। कार्बन नंबर 6 पे हमेशा क्या रहेगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन रहेगा। ठीक है, अब क्या करना है, अभी हमने अल्फा डी ग्लूकोस एज वेल एज बीटा डी ग्लूकोस दोनों का स्ट्रक्चर ड्रा किया था, होप आप लोगों को याद होगा। तो उस स्ट्रक्चर में आपको देखना है कि जो अल्फा डी ग्लूकोस के स्ट्रक्चर में है ना, यानी जो हमने बनाया था, जिसको हम क्या कहते हैं, फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूलास में, जो ग्रुप राइट साइड में था उसको आपको इस स्ट्रक्चर में क्या रखना है, डाउन रखना है। क्या रखना है? डाउन रखना है। तो जैसे अगर आप अल्फा डी ग्लूकोस की बात कर लोगे, अल्फा डी ग्लूकोस की, तो ओ यानी कार्बन नंबर 2 पे जो ओ एच ग्रुप था, जो क्या था, ओ एच ग्रुप था, वो राइट साइड में था, तो जो राइट में है उसको डाउन में रखना है, यानी यहाँ पे क्या रखोगे, ओ एच। तो यहाँ पे क्या आएगा, सी एच टू ओ एच, सी एच टू क्या रहेगा, ओ एच, ये हो गया अल्फा फॉर्म में। और जब बीटा फॉर्म में बनाओगे तो बीटा फॉर्म भी इसी तरह बनाओगे, बनाओगे तो सिर्फ एक ही डिफरेंस होगा, ये कार्बन नंबर कौन सा है, वो 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये कौन सा है, 6 है ना। तो यहां पे तो मैंने पहले ही कहा कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन होंगे। अब ये जो है ये अल्फा डी फ्रैक्टोस है, फ्रैक्टोस है ना। तो अल्फा डी फ्रैक्टोस में क्या है, कार्बन नंबर 2 पे OH डाउन है और CH2OH ऊपर है। तो जब आप बीटा डी फ्रैक्टोस बनाओगे तो क्या करना है, OH को यहां रखना है, ऊपर रखना है, और CH2OH को क्या रखना है, नीचे रखना है, और बाकी ग्रुप्स में कोई चेंज आने वाली नहीं है, याद रहेगा। और मैंने आपसे पहले कहा कि आपको यह रखना है, जो फिशर प्रोजेक्शन में राइट साइड में होगा उसको आपको यहां पर क्या रखना है, डाउन रखना है। तो नेक्स्ट बात है, जो लेफ्ट साइड में होगा उसको क्या रखना है, रखना है। तो इस बेसिस पे आप आसानी के साथ इसका यानी फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला को हार्वर्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूला में आसानी के साथ कन्वर्ट कर पाओगे, है ना। तो इस स्ट्रक्चर को मैंने क्या कहा, इसको क्या कहेंगे, बीटा डी फ्रैक्टोस, बीटा डी फैक्टोस। इसमें अगर आपको बाकी ग्रुप्स रिप्रेजेंट करना होगा तो कैसे करोगे, जैसे फर्स्ट लो C3 की अगर हम बात कर लेंगे, C3 में क्या है, सबको पता है कि राइट साइड में H है, राइट साइड में क्या है, H है, तो H को क्या रखना पड़ेगा, डाउन, OH को आप, है ना। तो कार्बन नंबर 4 पे क्या करना पड़ेगा, आपको क्या रखना पड़ेगा, OH को डाउन, H को यहाँ। कार्बन नंबर 5 पे भी वही करना पड़ेगा, OH को यहाँ पे, इसको यहाँ पे। तो यहाँ पे भी आप इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो, यहाँ पे एच आएगा, यहाँ पे ओ एच आ जाएगा, यहाँ पे ओ एच होगा, यहाँ पे क्या होगा, एच होगा, यहाँ पे ओ एच होगा, यहाँ पे क्या होगा, एच होगा। तो अगर आप अच्छी तरह देखोगे तो अल्फा डी फ्रेक्टोस और बीटा डी फ्रेक्टोस जो स्ट्रक्चर्स हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, जिनको हम फ्यूरोनोस स्ट्रक्चर सॉरी पायरोनोस स्ट्रक्चर्स कहते हैं, तो इन स्ट्रक्चर्स में अगर आप डिफरेंस देखोगे तो सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे है, कार्बन नंबर 2 पे डिफरेंस है। और डिफरेंस क्या है कि ये जो OH और CH2OH अप है कि डाउन में है ना, तो इन्हीं का डिफरेंस है। तो इन कंपाउंड्स को जनरली ऐसे कंपाउंड जिनमें सिर्फ कार्बन नंबर 2 पे डिफरेंस होगा, यानी ये कौन सा है, कीटोन है ना, कीटोनिक ग्रुप था ना इसमें, है ना। तो कीटोस के केस पे याद रखना कि अगर कार्बन नंबर 2 पे OH की पोजीशन
डिफरेंट होगी, बाकी सब तमाम सब कुछ सेम होगा, सिर्फ OH की पोजीशन क्या होगी, चेंज होगी। जैसे अगर हम फिशर्स प्रोजेक्शन की बात कर लें तो एक में लेफ्ट में, एक में राइट साइड में होगा, या हावर्ट्स प्रोजेक्शन की बात कर लें तो एक में डाउन में, एक में अप में होगा। तो इन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, एनोमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोमर्स। मगर याद रखना, इन केस ऑफ कीटोसिस की बात कर, एल्डोसिस की बात कर ले, तो एल्डोसिस के केस पे कहां पे होता था? C1 पे डिफरेंस नहीं होता था, बल्कि किस पे होता था? C2 पे नहीं होता था, बल्कि कहां होता था? C1 के केस में डिफरेंस होता था, यानी कार्बन नंबर 1 पे OH और जो दूसरा ग्रुप है H हो या C2H5OH, उसमें डिफरेंसेस होती थी। तो दिस इज ऑल अबाउट द पायरोनोस स्ट्रक्चर ऑफ फ्रैक्टोस। तो मैंने आपसे पहले कहा था कि जो फ्रैक्टोस है, जब वो फ्री फॉर्म में होगा, जब किसी और के साथ कंबाइन नहीं हुआ होगा, उस टाइम पे इसके ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी सिक्स मेंबर रिंग के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मगर जब वो एज ए कंपोनेंट ऑफ ए डाइसेक्राइड होगा या एज ए कंपोनेंट ऑफ ए पॉलीसेक्राइड होगा, तो उस टाइम पे वो एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ ए फाइव मेंबर रिंग, जिनको हम जनरली क्या कहते हैं, फ्यूरोनोस स्ट्रक्चर्स कहते हैं। फ्यूरोनोस स्ट्रक्चर्स। तो फ्यूरोनोस स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं, आपको इस तरह याद रख सकते हो आप आसानी के साथ। आपको क्या करना है, फिर से ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाना है। फर्स्ट करो, ओपन चेन स्ट्रक्चर क्या था, CH2OH है ना, ये कार्बन नंबर 1 है। तो कार्बन नंबर 2 पे तो सबको पता है यहां पे OH होता था, है ना। कार्बन नंबर 3 की बात कर ले तो यहां पे H होता था और यहां पे क्या होता था, OH। कार्बन नंबर 4 की बात कर लोगे तो क्या होता था, यहां पे होता था OH और यहां पे होता था H। और कार्बन नंबर 5 की बात कर ले तो यहां पे OH और यहां पे H। और कार्बन नंबर 6 पे होता था CH2OH, ठीक है। तो फाइव मेंबर रिंग कैसे बनेगी, आप भी सोच सकते हो, नेचुरल बात है, फाइव मेंबर रिंग है तो फाइव में से क्या होंगे, चार कार्बन होंगे और एक ऑक्सीजन होगा। तो क्या होगा, देखो इस पे अटैक होना है तो चार कार्बन आपको गिनना है यहां से, 1 2 3 4। तो उसका मतलब है कि ये वाला OH अटैक कर रहा है इस कार्बोडाइल कार्बन पे, है ना। तो इसका आप इस तरह दिखा सकते हो, यहाँ पे क्या है, OH है ना। तो ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और ये क्या हो गया, कार्बन नंबर 6। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये आप इमेजिन कर लो कि यहाँ पे अटैक कर रहे हैं इस कार्बन पे, तो उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है ऑक्सीजन पे। इस ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ से निकलने वाला एच पॉजिटिव इस ऑक्सीजन पे जाके जुड़ जाएगा। अब यहां पे भी वही है कि OH लेफ्ट साइड में होगा कि राइट साइड में होगा, तो यहां पे भी दो डिफरेंट आइसोमर्स बन जाएंगे, जिनमें से एक को हम अल्फा डी ग्लूकोज कहेंगे और एक को क्या कहेंगे, बीटा डी, सॉरी अल्फा, एक को हम अल्फा डी फ्रेक्टोज कहेंगे और दूसरे को क्या कहेंगे, बीटा डी फ्रेक्टोज कहेंगे। तो इसलिए इसके जो दो स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे उनको आप इस तरह ड्रा कर सकते हो। ये कौन सा है, कार्बन नंबर कौन सा है, 2 है ना, कार्बन नंबर 2। तो कार्बन नंबर 2 के अगर फर्स्ट करो, ये होगा CH2OH इस साइड में होगा और OH इस साइड में होगा, तो एक आइसोमर। तो बाकी ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 3, सॉरी कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 1, तो ये है ना 2 3 4 5 और यहाँ पे है CH2OH, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, H है ना, और यहाँ और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बन गया है, जो नया बॉन्ड बन गया साइक्लेशन के लिए। तो कार्बन नंबर 3 पे क्या है, यहाँ पे H, यहाँ पे OH है। कार्बन नंबर 4 पे क्या है, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, ठीक है ना। तो इस स्ट्रक्चर को, क्योंकि यहाँ पे क्या है, देखो OH जो है किस साइड में है, लेफ्ट साइड में है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बीटा, क्या कहते हैं, बीटा डी फ्रक्टोज। बीटा डी फ्रक्टोज। तो जब अल्फा होगा तो क्या होगा कि इस कार्बन पे ये OH इस साइड में होगा और ये इस साइड में होगा। आप इसको इस तरह ड्रा कर सकते हो, यहां पे ड्रा कर रहे हैं, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर कौन सा है, 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4, ये कार्बन नंबर 5, ये कार्बन नंबर 6, यानी CH2OH। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बनना है थ्रू ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो कार्बन नंबर 2 पे क्या होगा, यहाँ पे इस साइड में OH होगा, यहाँ पे क्या होगा, CH2OH होगा, ठीक है। तो
यहाँ पे क्या होगा H OH, इसमें कोई चीज नहीं आएगी, यहाँ पे OH और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी क्या होगा H, तो ये हो गया बीटा डी फ्रैक्टोस, है ना। तो यहाँ पे फाइव फाइव मेंबर्ड रिंग बनी हुई, क्या है फाइव, इस प्रोजेक्शन को क्या कहते हैं, मैंने पहले आपको कहा था याद रखना, इसको कहते हैं फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूलास, फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूलास। तो इन स्ट्रक्चर्स को आप हॉवर्ड्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब इस बार क्या होगा, जो रिंग होगी वो फाइव मेंबर्ड रिंग होगी, फाइव मेंबर्ड रिंग, तो फाइव में से एक ऑक्सीजन होगा, तो रिंग आप इस तरह ड्रा कर सकते हो, ये ऑक्सीजन हो गया, क्लियर है, ये यूं करके ड्रा कर सकते हो, ये कार्बन नंबर टू हो गया, ये कार्बन नंबर थ्री, ये कार्बन नंबर फोर, ये कार्बन नंबर फाइव। तो कार्बन नंबर फाइव पे क्या है, CH2OH है, तो उसको तो हमेशा आप ऊपर ही रिप्रेजेंट कर लोगे, तो नीचे क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, ठीक है। अब क्या करना है, मैंने आपको पहले ही कहा था जो फिशर्स प्रोजेक्शन में जो राइट में है उसको डाउन, जो राइट में है उसको क्या करना है, डाउन, जैसे कार्बन नंबर टू की बात कर लेंगे तो राइट में क्या है OH, तो OH डाउन रहेगा, तो यहां पे रहेगा CH2OH, ठीक है। कार्बन नंबर किसकी बात कर रहे हैं, थ्री की बात कर लें तो यहाँ पे H रहेगा, यहाँ पे OH रहेगा। कार्बन नंबर फोर की बात कर लेंगे तो यहाँ पे क्या रहेगा, OH और यहाँ पे H। तो इस फॉर्म को क्या कहेंगे, बीटा डी फ्रैक्टोस, ये बीटा डी फ्रैक्टोस का कौन सा फॉर्म है, ये हॉवर्ट्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला है। हाँ, तो इसी तरह अगर आप इसका बनाओगे तो इसी तरह बनाना है, फाइव मेंबर रिंग बनानी है, फाइव मेंबर में से एक ऑक्सीजन रहेगा, है ना। तो ये कार्बन नंबर टू, ये कार्बन नंबर थ्री, ये कार्बन नंबर फोर और ये कार्बन नंबर क्या है, फाइव है। तो कार्बन नंबर टू पे यहाँ पे क्या होगा, CH, सॉरी, जो यहाँ पे राइट में है उसको डाउन रखना है, ठीक है। तो क्या होगा, ये राइट में है इसको डाउन, CH2OH यहाँ पे, तो OH यहाँ पे आ जाएगा। कार्बन नंबर थ्री की बात कर लेंगे तो यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH, और यहाँ पे क्या आएगा, OH, और यहाँ पे H, और यहाँ पे H, और यहाँ पे CH2OH। तो ये हो गया बीटा डी फैक्टोस, बीटा डी फैक्टोस। तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स को मैंने कहा कि क्या कहते हैं हम, हॉवर्ट्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला भी कहते हैं, है ना। तो अगर आप अच्छी तरह देखोगे तो मैंने कहा कि फ्रैक्टोस के दो टाइप के साइक्लिक स्ट्रक्चर्स हैं, एक है फाइव मेंबर रिंग्स और एक है सिक्स मेंबर रिंग, है ना। तो जो सिक्स मेंबर रिंग थे उनको जनरली जब हम नाम देखते हैं तो हम लिखते हैं पायरोनोस, क्या लिखते हैं, पायरोनो फ्रैक्टोस लिख सकते हो, या फ्रैक्टो क्या लिख सकते हो, पायरोनो फ्रैक्टोस लिख सकते हो, है ना। या ऑन द अदर हैंड इनको जब आप नाम लिखोगे तो, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ये फ्यूरॉन का स्ट्रक्चर जैसा है, कि इसका स्ट्रक्चर जैसा है फ्यूरॉन का, तो इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, फ्रैक्टो फ्यूरोनोस कहते हैं, फ्रैक्टो फ्यूरोनोस। इसको हम कहेंगे अल्फा डी फ्रैक्टो फ्यूरोनोस और इसको कहेंगे बीटा डी फ्रैक्टो फ्यूरोनोस। तो ये हो गया साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रैक्टोस। तो इंशाल्लाह आपको दो ही मोनोसेक्राइड के स्ट्रक्चर आपके सिलेबस में है, उसमें से एक था ग्लूकोज जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, और आज हमने डिस्कस किया साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रैक्टोस। तो उसी तरह आप बाकी स्ट्रक्चर्स को भी ड्रा कर सकते हो, मगर आपका सिलेबस में मेनली दो मोनोसेक्राइड्स को डिस्कस करना था, तो वो हमने डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे डाइसेक्राइड्स। तब तक खुदा हाफिज़। हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों आज हमारा लेक्चर है एसी वोल्टेज टू एलसीआर सर्किट। तो बच्चों इससे पहले हमने पढ़ा था कि आपका एसी वोल्टेज सप्लाई किया था किसको, एक रेजिस्टर्स को, इसके बाद हमने इंडक्टर को किया था, इसके बाद हमने कैपेसिटर भी किया था। तो इसमें हमने बोला था कि आपका एक फेज डायग्राम बनाया था, इसके बाद आपका वही एक डायग्राम बनाया था, इसके बाद हमने देखा था कि आपका रेजिस्टर्स में आपका वोल्टेज एंड करंट जो है कैसे आपका आगे बढ़ता है, इसके बाद हमने बोला था कि इंडक्टर में आपका वोल्टेज और करंट कैसे आपका प्रोपोगेट होता है, इसके बाद हमने एक कैपेसिटर में